मिसलेनियस चैप्टर 6 हम लोग बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। ये हमारा ए बी सी, हमने इसको आइसोसेलेस, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ये हमने मान लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसका बोल रहा है विद अ फिक्स्ड बेस, इसका जो बेस है वो फिक्स्ड है और उस बेस को दिया हुआ है विद अ फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग। बेस हमको बी दिया हुआ है, ये फिक्स्ड है, ये मतलब कांस्टेंट हमको दिया हुआ है ना। टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड डिक्रीज कर रहा तो इसको हम लोग एक्स सी एम मान लिए, इसको भी हम लोग एक्स सी एम मान लिए, बिकॉज ये क्या कर रहा, डिक्रीज कर रहा। गिवन क्या दिया हुआ है ना, इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग एट किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट इज हम इसको लिखेंगे dx/dt और ये 3 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है पर सेकेंड। तो चूँकि डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे बिकॉज ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। और दूसरा बोल रहा हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग विद द इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, देन रिक्वायर्ड क्या है, देन टू फाइंड, हमको फाइंड करना है इसका एरिया, dA/dt मांग रहा है एट x=p, हमको ये कितना मिलेगा, वाट मीन्स इसका जो एरिया है ट्रायंगल का, वो जब ये जो इक्वल साइड्स हैं वो जब बेस के बराबर हो जाए तो उस वक्त एरिया के बदलने का जो रेट है वो कितना होगा, हमको यही फाइंड करना है। हमको ये डिक्रीजिंग में दिया हुआ है कि डिक्रीज कर रहा है और ये फिक्स्ड हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हमको उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब हमको इसको इसकी ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, इसकी ऊंचाई हमको चाहिए। ये 90 डिग्री है और ये पूरा बी है, तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2 इसका आधा, और इसको हम लोग मानते हैं डी ए बी सी, तो ए डी सी इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी। अगर हम ए डी सी की बात करें तो हमको यहाँ ए सी कितना दिया हुआ है, एक्स सी एम, ए सी एक्स दिया हुआ है, और डी सी एम को कितना दिया हुआ है, ये वाला डी सी b/2 दिया हुआ है, ठीक है। देन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए डी, तो हम लोग यहाँ से ए डी निकाल लेंगे। ए डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये वाला ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, पक्का यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा ए सी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस b² / 4, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² - b² / 4, ये अंडर रूट। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा 4x² - b² अंडर रूट। ये हमको मिल गया क्या, ये हमको मिल गया इसकी ऊंचाई। देन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब इसको ए मान लेते हैं हम लोग, होगा हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिया हमको बी टोटल, और हाइट कितना दिया, हाइट अभी हमने यहाँ निकाला है 1/2, 4x² - b² अंडर रूट, पक्का ये हमारा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा b/4 अंडर रूट 4x² - b², इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 1। ये हमको क्या मिल गया, एरिया, और यही एरिया हमारा क्या हो गया, ठीक है, यही एरिया है इस, ये हमको एरिया मिल गया, हमको ये एरिया मिल गया। अब इसका हमको निकालना है dA/dt, इसका हमको क्या निकालना है, dA/dt, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट हमको चाहिए, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तभी हो जाएगा dA/dt। तो b/4 तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 अंडर रूट जितना है 4x² - b², ठीक। फिर इसका चेन रूल लगाएंगे तो 4x² कितना होगा, चार में 8x - 0, और फिर ये हो जाएगा dx/dt, चूँकि चेन रूल लगा रहे हैं, ये इतना हो जाएगा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको हो जाएगा b/8, क्यों, 4 8 होगा ना, और नीचे को हो जाएगा b/8 1/4, नीचे को हो जाएगा 4x² - b² होगा, और ऊपर हो जाएगा 8x, और हो जाएगा dx/dt, क्लियर है। तो यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा, पक्का। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं आगे, इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर होगा नहीं। क्या मिला, dA/dt, कितना मिला dA/dt हमको, ये हो गया bx, ये हो गया bx b into x अपॉन 4x² - b² अंडर रूट, है ना, और इंटू dx/dt, पक्का। और हमको dx/dt का मान कितना दिया हुआ है,
तो अब हम निकालेंगे डी ए अपॉन डी टी, हमको कितना पे चाहिए एक्स इक्वल टू बी पर, एट एक्स इक्वल टू बी, तो रखेंगे हम लोग बी इंटू बी, एक्स का वैल्यू हम लोग बी रख रहे हैं, फोर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, हमने एक्स का वैल्यू कितना बी रख दिया, और डी एक्स बाई डी टी कितना माइनस थ्री है रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन चार बी से एक भी गया तीन बी स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट इंटू माइनस थ्री, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट थ्री बी, ठीक है, इंटू माइनस थ्री। पक्का ये बी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अब थोड़ा इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, बी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमको कितना बी अपॉन रूट थ्री इंटू थ्री, और नेगेटिव हम लोग यहाँ लगा देते हैं, इसको मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो लिख ही सकता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नेगेटिव रूट थ्री बी। तो ये एरिया की एरिया का जो रेट है वो नेगेटिव रूट थ्री बी, तो नेगेटिव शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ना, हम लोग लिखेंगे सो एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया इज डिक्रीजिंग एट ए रेट रूट थ्री बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा हुआ आंसर। आपको कहानी पकड़ में आई, ये नेगेटिव हमने क्यों छोड़ दिया, बिकॉज नेगेटिव इसलिए छोड़ दिया, नेगेटिव शो कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा, हमको वही प्रूफ करना था कि डिक्रीज कर रहा है रूट थ्री बी, ठीक है ना, रूट थ्री बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज ये एरिया है इसलिए हमने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लगा दिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व, कर्व हमको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इसको वन लेट कर लेते हैं एट किस पॉइंट पे, एट वन टू, इस पॉइंट पे इस कर्व पर हमको इक्वेशन क्या है नॉर्मल निकालना है। चलिए सच्ची बात है, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है ये पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला है, पैराबोला है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन हो गया, ठीक है, लिख नहीं रहा है, तो ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है, तो ये पैराबोला है, ये बोलता है वन टू, वन टू कहीं ना कहीं पॉइंट वन टू होगा, इस वन टू पर ये टेंजेंट नहीं बल्कि नॉर्मल, ये अगर टेंजेंट है यहाँ पे, ये अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल का, ये टेंजेंट है, अगर ये नॉर्मल का क्या मांग रहा है, नॉर्मल का क्या मांग रहा है, समीकरण मांग रहा है, ठीक है, सिंपल है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से हमको डी बाई डी एक्स कितना मिलेगा, हम तो हम लोग यहाँ से हो जाएगा टू वाई, टू वाई डी बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, तो पहले टू वाई फिर वाई, तो डी बाई डी एक्स फोर इंटू वन, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको डी बाई डी एक्स कितना मिलेगा, इम्प्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स मिलेगा टू बाई वाई, मिलेगा टू बाई वाई, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर, वन टू, तो वन टू पॉइंट पर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एट वन टू, कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू टू, तो यहाँ हमको टू बाई टू, क्यों वाई का वैल्यू रख रहे थे, ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा वन, ये वाज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। देन इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट वन टू, ये होगा वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूला यही होता है ना, और एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ से एक्स एक्स वन वाई वन तुमको यहाँ दिया हुआ है, वाई माइनस वाई वन कितना टू है, और माइनस वन बाई डी वाई डी एक्स कितना मिला, कितना वन मिला, और एक्स माइनस एक्स वन कितना दिया हुआ, वन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, इसको इस पर लाएंगे तो यहाँ से हमको हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये हमको मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कहानी पकड़ में आपको आ गई, क्वेश्चन नंबर फाइव, लेकिन क्वेश्चन नंबर फाइव करने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है, मान लीजिए ये को पॉइंट अल्फा बीटा, यहाँ से मुझे कोई लाइन हमको दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है आप पहले देख लीजिए, मॉडुलस ये अल्फा बीटा को एक्स की जगह रखेंगे तो ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी कॉन्स्टेंट जो है उसको, और नीचे एक्स का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, जो वाई का गुणांक है उसका स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, मतलब किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट को उस एक्स वाई की जगह रख देंगे अपॉन, तो जो इसका गुणांक है उसका स्क्वायर, जो वाई का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर नोट करेंगे, ये जो हमको मिलेगा, ये मिल जाएगा हमको क्या, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, ये बात सीख गए आप। चलिए ये बात अगर आप सीख गए तो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा गिवन कर्व, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन कर्व, गिवन कर्व्स कितना दिया हुआ है हमको, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ए थीटा साइन थीटा, इसको वन लेट कर लेते हैं, एंड हमको वाई दिया हुआ है ए साइन थीटा
माइनस ए थीटा कॉस थीटा, इसको हम लोग टू लेट कर लेते हैं। इसी पे हमको निकालना है, क्या बताना है, नॉर्मल नॉर्मल इस कर्व पे कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमको क्या दिखाना है, टू शो नॉर्मल टू दिस कर्व, नॉर्मल टू दिस कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का मतलब है ओरिजिन से जीरो जीरो से ओ से ये जो यहाँ का जो नॉर्मल निकालेंगे उसकी जो दूरी है ओरिजिन से क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब ये उसमें थीटा या एक्स वाई शामिल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमारा काम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए हमको सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो हम लोग पहले स्लोप निकालेंगे मतलब डीवाई बाई डीएक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज यहाँ पैरामीटर थीटा है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। तो कितना मिलेगा dx अपॉन डी थीटा, ए तो कॉन्स्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस ए, अब यहाँ लग चुकी है थीटा साइन थीटा, तो यह लगेगा क्या, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो थीटा को हमने छोड़ दिया, साइन का हो गया कॉस थीटा पक्का, प्लस अब हमने साइन थीटा को छोड़ दिया तो थीटा का हो जाएगा वन, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस ए साइन थीटा पक्का, प्लस ए थीटा कॉस थीटा गुना करो अंदर, प्लस ए साइन थीटा, है ना, ये साइन थीटा साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ए थीटा कॉस थीटा, बच गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, चलिए क्या है, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी अपॉन डी थीटा, कितना ए थीटा, तो ए साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ए ब्रैकेट, फिर यहाँ लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल, थीटा को छोड़ा कॉस का माइनस साइन थीटा, ठीक है, और फिर प्लस मतलब लगाएंगे गुना वाला रूल प्रोडक्ट रूल, अब फिर हम कॉस थीटा को छोड़ देंगे और थीटा कितना हो जाएगा वन। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ए कॉस थीटा माइनस 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 प्लस ए थीटा साइन थीटा पक्का, माइनस यहाँ जाएगा ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ए थीटा साइन थीटा। सो ऐसे हमको डीवाई डी कितना मिलेगा, डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा पक्का, ठीक है ना, तो डी वाई डी कितना है, यह ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस कितना मिलेगा टेन थीटा, तो ये हमको मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमको क्या मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमको टेंजेंट का स्लोप मिल गया, ठीक है। अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं ऊपर, हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्या नाउ तुमने कितना होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना, x माइनस एक्स वन, फॉर्मूला तो ये होता है, होता नहीं है, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस वाई वन। अब y1 तो हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं, तो y1 हमको इसी को रखना पड़ेगा, अगर इसको y1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा कितना y माइनस वाई वन, तो a कितना हो जाएगा a साइन थीटा नहीं माइनस a थीटा कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन, हमारे पास कोई बिंदु वाई वन तो है नहीं, हमको यहाँ लेना पड़ेगा, इसी को मानना पड़ेगा, तो वाई माइनस वाई वन बराबर स्लोप वन माइनस वन बाई, तो हमको डिवाइडेस कितना निकला है, डिवाइडेस कितना निकला है, यहाँ डिवाइडेस टेन थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है, और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना ये रहा ऊपर, तो ये हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, इसको बंद कर देंगे, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वन, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको ले लिया, अब चलते हैं आगे, तो y माइनस इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा, y माइनस वाई वन बराबर वन बाई टेन, क्या हो जाएगा कॉट, मतलब वन बाई टेन मतलब कॉट होगा, कॉट मतलब माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कर सकते नहीं कर सकते, हाँ वन बाई टेन कितना कॉट हो गया ना, तो कॉट को कॉस बटे साइन तो लिख सकते हैं, अब x माइनस ए कॉस थीटा हाँ माइनस ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर गुना कर देते हैं, इसको अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमको एक्स, अच्छा इसको अगर हम कॉट थीटा ही रहने दें तो माइनस कॉट थीटा
माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कॉट थीटा होगा, नहीं माइनस एक्स कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस, ये गुना करेंगे यहाँ तो ए कॉस बटे साइन। अब यहाँ हमको ध्यान देना है ए गुना कॉट थीटा तो कॉस बटे साइन, तो ए हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना साइन थीटा, चूँकि ए कॉस बटे साइन है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए थीटा और कॉस बटे साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा यहाँ, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा कितना वाई माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस ए थीटा कॉस थीटा, कहानी पकड़ में आ रही भाई। अब दोनों तरफ ए कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो दोनों तरफ बराबर है, इस पर उस पर लेंगे तो है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब रही बात एक्स कॉस थीटा को हम इस पर लाते हैं, एक्स कॉट थीटा इस पर लेके आए प्लस वाई, एक्स कॉट थीटा चूँकि नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया प्लस वाई, उसके बाद माइनस ए साइन थीटा और ये भी इस पर आएगा तो माइनस ए कॉस स्क्वायर, या इसको उस पर ले जाते हैं, इसी को उस पर ले जाते हैं, इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना साइन थीटा, और ये उस पर जाएगा प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा एक्स कॉट थीटा प्लस, थोड़ा सा बड़ा है बट घबराना नहीं है, ए कॉस स्क्वायर थीटा थीटा है प्लस एलसीएम लेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा बटे में होगा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए बाहर आ जाएगा तो ए इंटू वन अपॉन साइन थीटा, अर्थात ये हो जाएगा ए कॉसेक थीटा, कितना होगा ए कॉसेक थीटा, क्यों, बिकॉज ये साइन ये ए ऐसे कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना वन हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा ए कॉसेक थीटा। अर्थात यहाँ से हमको कितना मिला, एक्स कॉट थीटा प्लस वाई माइनस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू जीरो, ये हमको मिला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कहानी पकड़ में आ रही आपको, ये हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया, पक्का हाँ। अब बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये जो हमको दिया हुआ है ना, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा, ये हमको प्रूफ करना है नाउ, तो ये हमको मिटाना पड़ेगा, नाउ नाउ ये हमको ओरिजिन है, मान लो ये हमको ओरिजिन है, ओरिजिन है ये पॉइंट, और यहाँ से ये जो लाइन हमको दिया हुआ है, लाइन हमको कितना दिया हुआ है, एक्स कॉट थीटा प्लस वाई माइनस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू जीरो, इस लाइन का हमको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस, है ना। सो नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो हम इसको डी मान लेते हैं, ये मॉडलस होगा, पहले हम आपको बता चुके हैं, इस ओरिजिन को यहाँ रखेंगे तो जीरो इंटू कॉट थीटा एक्स वाई की जगह प्लस जीरो माइनस ए कॉसेक थीटा अपॉन इसका स्क्वायर कितना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों जीरो हो गया, बचा ए कॉसेक थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट रहेगा तो बचेगा कॉसेक थीटा, बचेगा ये हो गया हमारा मॉडुलस, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए। तो ए क्या चीज़ है, ए जो डिस्टेंस हमको ए मिला विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, हो गया प्रूफ हो गया, ना तो इसमें थीटा है ना ही इसमें एक्स वाई है, एक ये कॉन्स्टेंट हो गया जो कि कॉन्स्टेंट है, अतः इस लाइन का ये जो हमको नॉर्मल है ओरिजिन से इसका जिसकी जो दूरी है हमको कितना मिल गया ए जो कि एक कॉन्स्टेंट है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया, कहानी पकड़ में आ गया आप। चलिए तो यही है पूरी कहानी क्वेश्चन नंबर फाइव में। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, सिक्स बोल रहा है सर कि ये जो फाइंड इंटरवल्स इन विच द इंटरवल्स टू फाइंड इंटरवल्स टू फाइंड इंटरवल्स हमको इंटरवल निकालना है वेयर फंक्शन भी हमको दिया हुआ है, ये फंक्शन हमको दिया हुआ है फोर साइन एक्स, है ना, फोर साइन एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन ये हमको दिया टू प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना, पहला में इंक्रीजिंग और दूसरा में बोला डिक्रीजिंग, मतलब हमको ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, हमको वो इंटरवल्स निकालने हैं। सबसे अच्छी बात हम जानते ही हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो नीचे प्लस टू प्लस क्वेश्चन टू लगाएंगे इसका, तो क्वेश्चन टू लगाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको हल कर लेते हैं, इम्प्लाइज करते हैं एफ एक्स, थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये नीचे कितना है टू प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, ऊपर है फोर साइन एक्स माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हमको टू प्लस कॉस एक्स हमको बच जाएगा,
अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 साइन एक्स अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, होगा नहीं माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि ये इतना बाई इतना करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, होगा नहीं ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे वन हो सकता है। अब हम लोग निकालेंगे इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे इसका, तो इसका डिवाइड ये सब कितना हो जाएगा 4 साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स नहीं और माइनस वन, चूँकि एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 प्लस कॉस एक्स है, इसका होल स्क्वायर करेंगे ठीक है, 2 प्लस कॉस एक्स को ऊपर लेकर छोड़ देंगे, फिर डिवाइड ये सब कितना करेंगे 4 साइन एक्स, कहानी पकड़ में आ रही है, माइनस और 4 साइन एक्स को हम लोग छोड़ देंगे और डिवाइड ये सब कितना करेंगे 2 प्लस कॉस एक्स पक्का, और यहाँ माइनस वन तो ऑलरेडी है ही तो उसको हम लोग रखे रखेंगे, तो ये होगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर कितना होगा 2 प्लस कॉस एक्स तो है ही, और ये जो 4 साइन का कितना होगा कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, कहानी पकड़ में आ रही है, और ये जिसका जीरो हो जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस वन तो यहाँ है ही ठीक है। इसको फर्दर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमको मिटाना पड़ेगा ना, ऊपर हम लोग मिटा देते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके ऊपर, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे सर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना कर लेते हैं हम लोग, क्या गुना कर लेते हैं 4 दुना 8 कॉस एक्स, 8 नहीं हो जाएगा 4 दुना 8 कॉस एक्स, 8 कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स होगा नहीं ये प्लस है अपॉन अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वन ये ऑलरेडी हम ऑलरेडी है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे सर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 4 बाहर लेंगे तो ये 8 कॉस एक्स प्लस 4 इंटू 1, क्यों 1 बिकॉज 4 बाहर गए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा 4 इंटू 1 नहीं होगा अपॉन कितना 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस 1। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्क्वायर है फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस ये एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमको यहाँ आ जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा नहीं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी तो 2 दूना 4 कॉस एक्स, नीचे में कितना 2 प्लस कॉस एक्स का कितना मिलेगा होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4 चार से कट जाएगा प्लस 5 4 माइनस 4 कट जाएगा 8 कॉस एक्स से 4 चला जाएगा नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव करेंगे तो 8 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 कॉस एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कहानी पकड़ में आ रही है। चलिए तो ये हो जाएगा 8 कॉस एक्स होगा नहीं 8 कॉस एक्स 4 खत्म हो गया 8 कॉस एक्स क्यों 8 से 4 जाएगा तो 4 कॉस एक्स बचेगा ना 4 कॉस एक्स 4 खत्म हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना बचा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हमको ये मिला क्या सर एफ डैश एक्स, ये पूरा हमको मिला एफ डैश एक्स, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। हमको क्या मिला ये जो हमको मिला एफ डैश एक्स, क्या मिला एफ डैश एक्स, आपको कहानी पकड़ में आ रही है। हमने इसका अब तक क्या निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला। अब हमको सोचना है कि डेरिवेटिव निकालने के बाद हम जानते हैं जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है मतलब एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ डिक्रीज करेगा, अगर जीरो हो जाएगा तो ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ हमको देखना है कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज, मतलब कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। एफ डैश एक्स जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ इंक्रीज करेगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ डिक्रीज करेगा। तो हमको पहले इसको मिटाना पड़ेगा। एफ डैश एक्स तो हम लोग निकाल लिए है, जो है एफ डैश एक्स जो हमको दिया हुआ है कॉस एक्स और 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको मिटा देते हैं, हमको इसी पे बहस करना है, इसी पे डिस्कस करना है कि ये पॉजिटिव कब होगा। अब यहाँ देखिए ये पूरा नीचे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नो प्रॉब्लम। और अगेन ऑल्सो वी नो हम जानते हैं कि कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस वन से लेकर के वन के बीच में होता है, क्योंकि ये बाउंडेड है, इसका अपर बाउंड वन होगा, इसका लोअर बाउंड कितना होगा माइनस वन होगा। तो माइनस वन इसका अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें यहाँ या मिनिमम वैल्यू भी ले लें तो माइनस वन से वन के बीच में, यहाँ अगर एक्स का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो फोर से वन जाएगा कितना 3 पॉजिटिव, या माइनस वन भी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, मतलब ये हर हाल में पॉजिटिव हो रहा है। कॉस ये अगर है तो 4 माइनस कॉस एक्स जो है हमको क्या हो रहा है हर हाल में पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है हर हाल में पॉजिटिव हो रहा है, ये तो ये पॉजिटिव हो गया। और 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इम्प्लाइज कर देंगे इसको,
तो अब ये डिपेंड कहाँ करेगा, यहाँ तो डिपेंड नहीं करेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो अब पूरा पूरा कॉस पे डिपेंड करेगा कि अगर कॉस एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यानी इतना पॉजिटिव है एंड 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 2 प्लस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नाउ 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 एफ डैश एक्स डिपेंड्स ऑन कॉस एक्स फॉर इट्स फॉर इट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पूरा पूरा जो है एफ डैश एक्स कॉस एक्स पे आ गया, वो कॉस एक्स पे डिपेंड करेगा। जहाँ कॉस एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, फंक्शन ये वाला इंक्रीज करेगा, और जहाँ ये कॉस एक्स नेगेटिव होगा फंक्शन इंक्रीज करेगा, है ना। एंड वी नो एंड वी नो, और हम क्या जानते हैं कॉस एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। सर देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप जानते हैं कॉस एक्स यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का कि जीरो से पाई बाई टू और है ना, और यहाँ से ये हमारा हो गया जीरो, ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये हो गया थ्री पाई बाई टू। कहानी पकड़ में आ रही है। कहने का मतलब कॉस एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस एक्स पॉजिटिव इन द इंटरवल्स, इन द इंटरवल्स, कौन कौन से इंटरवल में होता है। तो ये जीरो से पाई बाई टू पे हो गया, ठीक, एक तो ये एंड और ये थ्री पाई बाई टू से टू पाई, यहाँ भी तो होता है ना, इसको जीरो बोले या फिर टू पाई बोले, तो थ्री पाई बाई टू से टू पाई यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों जगह इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव है इस इंटरवल में, यहाँ और यहाँ और यहाँ, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है यहाँ और यहाँ। तो फंक्शन इम्प्लाइज एफ डैश एक्स पॉजिटिव इन जीरो से पाई बाई टू यूनियन थ्री पाई बाई टू से टू पाई। सो एफ एक्स is increasing in the interval in the intervals 0 से pi by 2 and 3 pi by 2 से 2 pi। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। मतलब cos x पे पूरा फंक्शन डिपेंड, एफ डैश एक्स डिपेंड कर रहा था ना, तो cos x यहाँ और यहाँ क्या हो रहा, पॉजिटिव हो रहा, तो एफ डैश एक्स भी यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होगा। मतलब f जो फंक्शन है यहाँ और यहाँ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब 0 से pi by 2, और चूंकि हम लोग ऐसे घूमते हैं तो 3 pi by 2 से 2 pi, ये दो इंटरवल है जहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। चलिए, और अब डिक्रीज कहाँ कर रहा है, अब डिक्रीज कर रहा है इसमें और इसमें, तो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ कॉस एक्स, ये रह रहा है, इसका यहीं ख़त्म हो जाता है, ये हो जाएगा एंड कॉस एक्स नेगेटिव, कहाँ नेगेटिव होता है ना, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज पाई बाई टू से लेकर के पाई और फिर पाई से थ्री पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू इस इंटरवल में क्या होता है, ये कॉस एक्स नेगेटिव होता है। सो एफ डैश एक्स नेगेटिव इन पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। कहानी पकड़ में आ रही है। यहाँ इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। मुझे लगता है कहानी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। यहाँ से यहाँ पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में डिक्रीज कर रहा पूरा फंक्शन ये, और यहाँ जीरो से पाई बाई टू और फिर पाई बाई टू से टू पाई में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। कहानी आपको पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इस यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में देखते हैं।